हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और एक्चुअली आज क्या है, एक दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। एक्चुअली चार्जिंग का इशू है। तो मैं और मेरा जो दोस्त है पीछे, आप देख सकते हैं दीपक, हम लोग दोनों हजारीबाग जा रहे हैं। एक्चुअली दीपक का भी काम है, बोनाफाइड का कुछ इसका काम है, तो कॉलेज जाएंगे आईसेक यूनिवर्सिटी, और मैं अपना जाऊँगा लैपटॉप ठीक कराने। तो ब्लॉग में आप बने रहो, और जो भी आज दिन भर का शेड्यूल होगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नए ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग मटवारी पहुंच चुके हैं, जहां पे दीपक का जो आईसेक यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है यहीं पे है, और कॉलेज यहां से 15 किलोमीटर दूर है। तो आइए अंदर चलते हैं और बोनाफाइड वगैरह का जो भी काम है वो कर लेते हैं, और उसको फी वगैरह भी पे करना है। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं। अभी क्या है दोस्तों, हम लोग सारा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल चुके हैं और इसको जेरोक्स करवाना है, क्योंकि वहाँ पे उसको बोनाफाइड लेने में सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फोटोकॉपी का सेंटर में आए हुए हैं जेरोक्स करवाने के लिए, जहाँ पे हम लोग सारा फोटोकॉपी वगैरह करवा लेंगे। तो अभी क्या है दोस्तों, 11 बज चुका है, और आई होप अगर आपको पता होगा कि मैं घर से नाश्ता करके प्रॉपर नहीं निकला था, और तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो आप देख सकते हैं हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं, एक होटल में बैठे हैं, और अभी क्या है कि थोड़ा सा छोला भटूरा ऑर्डर किया, क्योंकि दोपहर के 2 या 2:30 बजे हम लोग प्रॉपर लंच करेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा खा रहे हैं। फाइनली आप देख सकते हैं मैंने अपना लैपटॉप यहाँ पे निकाल दिया है और भैया को दे दिया है रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले भैया चेक करेंगे इसमें क्या इश्यू है। एक्चुअली बैटरी का प्रॉब्लम है, चार्ज वगैरह कनेक्ट नहीं होता है। और आप दुकान देख सकते हैं, बहुत अच्छा दुकान है, और आई थिंक होलसेल्स वगैरह रेट में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों एक सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन में था, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करने जाता था तो चार्जिंग वगैरह नहीं पकड़ता था। लेकिन अभी जब मैं दुकान पे आया तो यहाँ पर उन्होंने चेक वगैरह किया और देखा कि लैपटॉप का जो चार्जर था उसमें प्रॉब्लम था। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पर आया तो 550 रुपये लगा, और आई थिंक यहाँ का सारा काम हम कर चुके हैं। अभी सीधा निकलेंगे कि एक दोस्त के भाई का एडमिशन के लिए बात करना है, तो सीधा चलेंगे इंटर साइंस कॉलेज, और मैं आपको अपना पुराना कॉलेज दिखाऊंगा जहाँ पे मैं 12th किया हूँ, और वहाँ से मैंने 2 साल का 12th किया है। तो अभी चलेंगे सीधा वहीं पे, उसके बाद फिर लंच का जब टाइम हो जाएगा तो फिर हम लोग सीधा एक अच्छे से होटल में जाएंगे लंच करने। वीडियो पर आप बने रहो, अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा ब्लॉग को आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज मैं अपना पुराना जो 12th जहाँ से मैंने किया है वहाँ पे मैं आने वाला हूँ, और पीछे आप देख सकते हैं कॉलेज का बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये इंटर साइंस कॉलेज है। अभी मैं आपको एक्सप्लोर करके कॉलेज दिखाऊंगा, और अभी फ़िलहाल हम लोग दीपक के भाई के लिए ऑफिस जा रहे हैं एक एडमिशन का बात करने उसका भाई का। तो चलिए कॉलेज आपको दिखाते हैं कि कैसा कॉलेज है। पहले तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि यहाँ पे आप इजिली आके पढ़ सकते हो, और सारा कुछ ऑनलाइन भी प्रोसेस हो गया है, लाइब्रेरी वगैरह सारा कुछ सिस्टम भी है। तो चलिए कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आप। सो गाइस देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर कॉलेज का बिल्डिंग है, और यू शेप में ये बिल्डिंग को बनाया गया है, शुरू से ही यू शेप में बनाया गया था। और सामने वहाँ पे आपको ऑफिस देखने को मिला, अभी ऑफिस में हम जाएंगे।
तो पहले क्या होता था कि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और इतना ज़्यादा फूल वगैरह जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा पहले नहीं था और इतना ज़्यादा डेवलप एरिया भी नहीं था। बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है और पूरा थर्ड फ्लोर ऊपर तक आपको क्लासेस वगैरह देखने को मिल रहा है जहाँ पे क्लासेस वगैरह होता है और ऑफिस वगैरह भी बहुत अच्छा बनाया गया है, वहाँ पे आपको ऑफिस वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो सब चेंज हो गया है, तो गाइस देख सकते हैं ये G2 सेक्शन है और हम ये मतलब दीपक का ये क्लासरूम है और मैं भी अपना क्लासरूम आपको दिखाऊंगा। और पहले भी मतलब इस टाइप का ही था और ये बता रहा है कि यहाँ पे ही बैठता था और बोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं। तब मज़ा आ रहा दीपक अपना मतलब फिर से क्लास आया है, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा पहले वाला दिन याद आ रहा है? नहीं चलो G7 चलते हैं, चलो G7 में ऊपर में चलते हैं। एंड गाइस देख सकते हैं ये करंट का रूम अभी जो बन रहा है इंटर साइंस कॉलेज में, ऊपर में पूरा फॉल्स सीलिंग वगैरह किया हुआ है, ये एक्चुअली पहले नहीं था लेकिन अभी किया गया है। और बोर्ड वगैरह भी आप देख सकते हैं, साउंड बॉक्स वगैरह ऊपर है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जेन्युइन प्राइस में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस है यहाँ पे और आप आराम से यहाँ पे 12th आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए ऊपर है, मैं अपना सेक्शन आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक बोला, थर्ड फ्लोर में ना इकोनॉमिक नहीं पता था, 102 की 103 में शायद क्लास चलता था, ये वाला है, इसमें हम लोग पढ़ते थे, ये वाला है। तो ये रहा G7 गाइस और मतलब हम लोग इसी में बैठते थे और यहाँ पे इस वाले प्लेस में मतलब बोर्ड से जस्ट नज़दीक ही रहता था और मज़ा आता था काफ़ी पढ़ने में, क्योंकि यहाँ के जितने भी टीचर्स लोग थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी थे और बहुत मज़ा भी आता था। पहले का ही डेस्क वगैरह लग रहा अभी तक यूज़ हो रहा है। ये रहा बायोलॉजी सेक्शन और ये सेक्शन से मेरा इतना ज़्यादा लगाव है कि मैं आपको एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी बार एग्ज़ाम वगैरह भी पड़ा है मेरा, मतलब कॉलेज का ही एग्ज़ाम, कॉलेज का ही काफ़ी बार एग्ज़ाम होता था ना, तो यहाँ पर हम दिए हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग पूरा अपना कॉलेज वगैरह फिर से घूम चुके हैं और अपना जो भी पुराना याद था हम ताज़ा कर चुके हैं। G7 में मैंने आपको दिखा कि मैं वहाँ पे बैठता था और जो दीपक है वो G2 में बैठता था और मैंने आपको बायोलॉजी सेक्शन भी दिखाया जहाँ से बहुत सारा पुराना याद भी है मेरा, क्योंकि कुछ वैसा बात है जो कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि उस सेक्शन से मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरे को मज़ा भी आता था। और उस टाइम पे हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत भी करते थे, पढ़ते भी इतना ज़्यादा थे। कौन सा एग्ज़ाम देख लो, अगर लेगा तो ले लो और डेट उट निकलेगा तो भाई को एग्ज़ाम दिला देना और एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर लेगा तो एडमिशन दिला देना, क्योंकि देखो हजारीबाग में इस कॉलेज से बढ़िया हमको नहीं दूसरा कोई दिखता जहाँ पे पढ़ाई उढ़ाई का उस तरह का माहौल है। तो ये रहा गाइस यहाँ का जो ऑफिशियल वर्क होता है फिलहाल यहीं पर होता है, ऊपर में आप देख सकते हैं कैमरा वगैरह सारा इंस्टॉल है और पहले इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था कि यहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ हो, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैमरा वगैरह हो चुका है। फिलहाल फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब पुराना ही टाइप का मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी के अपडेटेड ज़माने में उतना कुछ खास नहीं है। फिर भी कॉलेज बहुत अच्छा है और एक अफोर्डेबल फीस पे आपको यहाँ पे स्टडी करने का मौका मिलता है जहाँ से आप 11th या 12th कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी क्या दोस्तों शाम हो चुका है और सुबह से इतना ज़्यादा काम था क्योंकि भागा दौड़ी भी हो रहा था, क्योंकि कैफ़े में बार बार हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे थे, ये स्कॉलरशिप का भर रहा था तो सबमिट नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी था। लास्ट डेट कल ही था लेकिन अभी सारा काम हो चुका है और अभी मैं अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में आया हूँ जहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या खाने को है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा दोस्त का रेस्टोरेंट है और हम लोग आए हैं यहीं पर कुछ खाने, चलिए अंदर चलते हैं। कहाँ गया सनी? नहीं कहाँ गया? दीपक बैठो,
दोस्तों हम लोग मेन्यू ऑर्डर कर चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों ने बटर पनीर मसाला एक ऑर्डर किया है और नान वगैरह मंगवाए हैं, लच्छा पराठा वगैरह। तो अभी जो आएगा हम आपको दिखाएंगे। और पीछे का लोकेशन आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में रेस्टोरेंट को बनाया गया है। तो कल क्या है दोस्तों, हम लोग रेस्टोरेंट से जब खाना वगैरह खा के निकले तो बहुत ज़्यादा रात हो चुका था, क्योंकि बैंक भी जाना था लोन वगैरह का, गाड़ी का जो NOC वगैरह है उसको पता करना था, तो उसके लिए भी हम लोग गए थे और बहुत ज़्यादा रात हो चुका था। घर आते टाइम करीब 9 बज गया था, तो हम वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। और रात को आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि खाना वाना खाने के बाद थोड़ा बहुत मैं सो गया था जल्दी। तो यहाँ पे दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग था मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। आई होप अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, गुड बाय।